Hello everyone, how are you? Friends, welcome to my channel, Keep Sharing Experiences. आज मैं आपको एक नए तरीके के वीडियो एडिटर के बारे में बताने जा रही हूँ। पहले आपको मैंने लास्ट अपने वीडियो में बताया था कि पावर डायरेक्टर के थ्रू आप कैसे वीडियो एडिट कर सकते हैं, वो भी उसका वॉटरमार्क हटा के। आज मैं आपको काइनमास्टर एक सॉफ्टवेयर है, जो बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिटिंग के लिए ही यूज होता है। उसमें आप अलग अलग तरीके के एनिमेशन की वीडियोस भी उसी पे बना सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सॉफ्टवेयर बहुत ही यूजफुल हुआ। पर उसमें भी एक ही दिक्कत होती है कि उसमें भी आपका काइनमास्टर का नीचे जैसे आ रहा होता है वॉटरमार्क, वो आ रहा होता है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो मैं अब आपको वन बाई वन बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, और मेरे अगर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले अगर आप गूगल प्ले स्टोर से अपना काइनमास्टर नॉर्मली इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में और उस पर वर्क कर रहे होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपसे बोल रहा होता है। एक तो बहुत सारे एड्स दे रहा होता है, साथ ही साथ अगर आप उसे का वाटरमार्क रिमूव करना चाहते हैं तो वो आपसे कहता है कि मंथली आपको 250 रुपये को दे के इस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करना पड़ेगा या फिर ईयरली का पैक आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वो आपके उस एप्लीकेशन में इतने सारे एड्स दिखा रहा होता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, जिस वजह से आप काम भी नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप उसके वर्क करना, कोई भी वीडियो लेके उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको साफ साफ क्लियर क्लियर हाईलाइट टॉप पे आपका मेड विथ काइनमास्टर लिखा होता है, जो कि आपके मतलब वीडियो पे हाईलाइट हो रहा होता है और जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही वाटरमार्क को हटाना सिखाऊंगी, जिसमें आपको कोई भी परचेज नहीं करना पड़ेगा, ये एकदम फ्री रहेगा आपका। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपको जो एक नॉर्मल प्रोसेस करना रहेगा, आपने जो काइनमास्टर अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा है उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो ये आपका मेड विथ काइनमास्टर परमानेंटली दिखाई देता रहेगा और इसको हम नहीं हटा पाएंगे बिना परचेज किए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने देखिए अपना गैला एप्लीकेशन अनइंस्टॉल कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको एक लिंक दूंगी, जिस लिंक पे आप जाके इसी का एपीके कोड, आपका काइनमास्टर का एपीके कोड जो कि बिल्कुल सेफ़ है, आप उसके थ्रू एक काइनमास्टर को डाउनलोड कर लीजिए। आप डोंट वरी, आपने जो पुराना वाला अपना काइनमास्टर अनइंस्टॉल करा होगा वो उसका बैकअप आपके फ़ोन में लिया हो रहता है, और जैसे आप ये नया वाला काइनमास्टर अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं वैसे वो पुराने का बैकअप सारा इस पर आ जाता है, और जो भी चीज़ें उस पर पड़ी हुई थी वो आपकी ऑटोमेटिकली इस पर आ जाएगी और दिखने लगेगी। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको मैं सामने दिखा रही हूँ, मैंने अभी आपका वो पुराना वाला हटाया है और नया वाला जैसे मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो जिस पे मैं पुराने वाले पे काम कर रही थी वो ऑटोमेटिकली वीडियो यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, और अब मैं अगर इसे रन कर रही तो इसमें कोई भी वाटरमार्क नहीं दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो। टिल देन, लव एंड पीस टू ऑल। थैंक यू।